गुड इवनिंग, वेलकम टू बीट द वॉलेटिलिटी चैनल। जैसे कि हिंडरबर्ग का न्यूज़ आया था जिसमें सेबी के ऊपर एलिगेशन था कि सेबी चेयरमैन का इन्वेस्टमेंट है अदानी के ऊपर, उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा मार्केट में नहीं आया क्योंकि क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। और जब तक कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हो सकता उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। अदानी स्टॉक्स में कुछ डेंट आ जाया है, लेकिन जो हिंडनबर्ग बार बार इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें सेबी अदानी बार बार बोलने से ये चीज़ होगा नहीं, जस्टिफाई करके देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हमारे जो भी एजेंसीज़ है उनको एक बार इसको ओवरव्यू करके एक क्लियर कट स्टेटमेंट के थ्रू हर चीज़ प्रूफ करके बताना होगा, जिससे ये चीज़ जस्टिफाई हो पाए कि इन्वेस्टर्स का फेथ बने रहे हमारे स्टॉक मार्केट पे। ट्यूसडे के लिए अब जो लेवल्स अपन डिसाइड करेंगे, ये एक तरीके से अब मार्केट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो गैप बना है अब वो गैप को वो फिल करने जा सकता है, आज ये दिखाने की कोशिश की है। तो ट्यूसडे के लिए लेवल्स क्या होने वाले हैं, ट्यूसडे के लिए लेवल्स 24,450 के ऊपर अगर मार्केट निकलने लग जाता है तो अपन बाई करके चलेंगे, और 24,320 के नीचे निकलने लग जाता है तब अपन सेल करके चलेंगे। बैंक निफ्टी में सिंपल लेवल है 50,830, ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि गैप फिल कर चुका है बैंक निफ्टी में अभी और गैप बचा है, मेरे को लगता है और गैप 300 पॉइंट्स का है बैंक निफ्टी में, वो कभी भी बैंक निफ्टी भर सकता है। अब अगर ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी को प्ले करना है तो 50,800 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं, और 50,500 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी को। जब भी अपन इंडेक्स की बात करते हैं तो HDFC और रिलायंस को देखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आज रिलायंस जो था पहले तो बुलिश था स्टार्टिंग में, वापस बियरिस बंद हुआ है तो मार्केट में आपको वीकनेस दिखी होगी। स्टार्टिंग में HDFC स्ट्रॉन्ग था, इसके वजह से HDFC चला तो बैंक निफ्टी भी चला, और लास्ट में एम पैटर्न बना के आपका HDFC गिरा है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो पैटर्न को देखना बहुत ईजी है और वहाँ से कैलकुलेट कर पाते हैं आप कि कितना वहाँ से स्टॉक गिर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से 10 पॉइंट दिखा रहा है, जब एम पैटर्न को बनाया वहाँ से 10 पॉइंट HDFC गिरा है। अब अगर कल आपको प्ले करना है तो 1666 के ऊपर अगर HDFC निकलने लग जाए तभी आप इसको प्ले कीजिएगा, नहीं तो ये एम पैटर्न है, एम पैटर्न को पूरा कर चुका है, जहाँ से HDFC ने ब्रेकआउट दिया था वहीं ब्रेकडाउन होकर लास्ट में बंद हुआ। रिलायंस अभी आपका 2900 के पास से सपोर्ट लिया है, 15 के पास से, तो आप इसको प्ले करना है अगर आपको तो 2930 के ऊपर ही आप इसको प्ले करोगे, ठीक है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अभी भी बियरिश दिख रहा है आपको, 1166 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। और ICICI में आप 1175 के ऊपर बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। आज सभी में रिकवरी आई, एक्सिस बैंक हो चाहे ICICI बैंक हो, लेकिन ये सब रिकवरी जब 2-3 दिन सस्टेन करने लग जाएगी तब आप इसको बोलोगे कि हाँ अच्छी खासी मार्केट में तेज़ी आ सकती है। अब ऑप्शन में आप जाके ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में क्या ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। अभी एक दिन एक्सपायरी कम भी है तो आप उस हिसाब से प्ले करना, अगर आप बायर हो तो आपका थीटा डीके बहुत ज़ोर से होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर निफ्टी में देखें तो 25,000 में कॉल राइटिंग, हर जगह कॉल राइटिंग आपको ज़्यादा दिख रही है इसीलिए मार्केट नीचे आ गया। 24,500 में कॉल राइटिंग है, 24,450 पे कॉल राइटिंग है, स्ट्रैडल जो राइट हुआ है 24,400 पे हुआ है और मार्केट अभी उससे नीचे है। तो अगर मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो 100 पॉइंट्स के लिए इजीली ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी सेम ही है तो 51,000 पे
कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, और 50,500 पे स्ट्रैडल राइटिंग है। तो आप देखोगे कि 50,500 से अच्छा खासा बाउंस हुआ है बैंक निफ्टी में। अब जो दो स्टॉक कल के लिए अपन प्ले कर सकते हैं, पहला है वोल्टास। अगर आप वोल्टास को ठीक से देखोगे, वोल्टास को अगर आप ठीक से देखोगे तो वन डे में वोल्टास ने अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया जो एनगल्फ कर दिया दो तीन कैंडल को। अब अगर आप ठीक से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हो तो ये 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो 52 वीक हाई का स्ट्रैटेजी आप इस पे लगा के देख सकते हो। अब यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन बनाएं इसका कि ये कितना और चल सकता है आने वाले लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपको दिखाएगा कि 1900 रुपये तक वोल्टास आ सकता है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करके चलिए। और अगर आप 52 वीक हाई लो वाला स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं तो 52 वीक हाई वाला स्ट्रैटेजी लगा के वीकली लो को स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, जो बिलियन फूड भी अगर अपन देखते हैं तो क्या 52 वीक हाई पे है? नहीं, 52 वीक हाई जो है जो बिलियन फूड का वो 915 है। ठीक है, और ये एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक अगर डब्लू पैटर्न बनाता है और अपन वहाँ से इस चीज़ को गैदर करते हैं तो ये देखिए सीधा सीधा आपको ये दिखा रहा है कि ये 880 के लिए लॉन्ग टर्म में आपका टारगेट बन सकता है। तो आप उसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। और कल के लिए अगर दोनों को प्ले करना है तो सीधा सीधा है कि 1650 के ऊपर जब निकलने लग जाए, 650 के ऊपर जो बिलियन फूड निकलने लग जाए तब आप इसको बाई कीजिएगा। और वोल्टास अगर आपका 1595 के ऊपर निकलने लग जाए तब आप इसको बाई करके चलिएगा। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स अच्छे खासे बुलिश हैं। अभी मार्केट का सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, तो आप सिंपल ध्यान रखिए मार्केट में चल क्या रहा है। अगर कोई भी पोजीशन है तो उसे हेज करके ज़रूर रखें। और हमें बताइए हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। हमारे दो स्टॉक्स जो देते हैं वो हर दिन 2-3% चलते हैं। जो भी हमारी वीडियोस है एजुकेशनल पर्पस है। आपको अगर इसी एजुकेशनल कंटेंट पे और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इन्हें बता पाएँ।